ये क्या है, डेली आप न्यूज़पेपर इस पर देते हैं मोटरसाइकिल पर? जी हाँ सर। तो कितने साल से ऐसा कर रहे हैं? 40 साल, जबकि हेलमेट था ही नहीं। ओहो, तो मैं पहनना नहीं चाहिए, हेलमेट नहीं पहनना चाहिए? हाँ बराबर, 40 साल से मैं जब काम कर रहा हूँ। लेकिन 40 साल पहले जो आबादी थी, जो गाड़ियों की संख्या थी, वो बहुत बढ़ गई है। आप तो इतने समझदार इंसान है, बताइए, सच बताइए। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्यों पासिंग करती है? अच्छा, गाड़ी पास नहीं करना चाहिए? चाहिए, गाड़ी रोक दो ना, अभी जब तुम्हारे पास रास्ते पे जगह नहीं है। हाँ, तो गाड़ी पास मत करो। ओके, देखो आबादी, घर में हर आदमी को 10 लड़के थे, अब दो क्यों है? क्योंकि अब जरूरतें बढ़ गई हैं। जरूरत बढ़ गई है, अनाज नहीं, कुछ नहीं, इसके लिए दो बस बोल। तो अनाज क्यों नहीं है? क्योंकि बिल्डर जो है खेतों में भी बिल्डिंग उगाने लगे हैं। तो आप क्या, नहीं आप क्या सोचते हैं कि हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं? आप तो इनके साथ ही हैं। ये तो बच्चे यार, इनको पूछो ना ये सब। अच्छा, हेलमेट पहनना चाहिए या नहीं? हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट पहनना चाहिए। तो ज्यादातर लोगों ने बोला पहनना चाहिए, इसलिए आपको भी सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। जय हिंद। बेल्ट लगानी चाहिए, बेल्ट। जी बताइए। मालूम है आपको, क्रिकेट में भी हेलमेट डालते हैं जी। लेकिन एक बंदा ऐसा था कि जिसने जिंदगी में अपने सर पे हेलमेट नहीं डाला, मर गया वो। नहीं, मर गया, मर गया। सेंचुरी का, सेंचुरी का रिकॉर्ड है, कौन हो बताओ? ये मुझे, आपको ज्यादा बुजुर्ग हैं, एक था लांबा जो मर गया, सुनील गावस्कर, उसने जिंदगी में हेलमेट नहीं डाला। हाँ। लेकिन 40 सेंचुरी मारा। ओके, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये उसकी गलती थी? नहीं, गलती नहीं थी। लॉ देखिए, जो लॉ है वो तो लॉ है और वो सभी के लिए है। जय हिंद, जय हिंद। मुझे कुछ होगा नहीं। चलिए, आपको भी मैं प्रार्थना करता हूँ, अपने परिवार के लिए बचे रहे हैं आप भी।